ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं। एक्चुअल में जिस दिन आपने 10-15 हज़ार रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा, अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको 10-15 हज़ार को 20 हज़ार कैसे किया जाए, 30 हज़ार कैसे किया जाए, 50 हज़ार कैसे किया जाए, 1 लाख कैसे किया जाए, क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। करोड़ों घर है इंडिया, उन सबको अगर टैप करना हो और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते? अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में, तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो तो गलत काम थोड़ी कर। आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हैं, एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं जी। ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी को सुनना है और उसकी गहराई में जाना है। द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। वर्ड है ना ये डिक्शनरी में आप सबके है ना, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अरे मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, मैं क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं, क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी बड़ी है। जैसे जैसे ये डिजायर आपके अंदर पनपेगा कि मुझे कुछ अच्छा करना है इस दुनिया के लिए, कब कर पाओगे? जब आप अंदर से स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो 24 घंटे, तो आप किसी का क्या भला करोगे? आप उसकी आंख में झांक करके देखोगे और अपने फायदे के बारे में सोचोगे, क्या भला करोगे किसी का? नहीं कर सकते। सिर्फ तब कर सकते हो जब पूरी तरह से डिजायर आपके ऊपर हावी हो जाए, कह रहे मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस दुनिया के अंदर अंधेरा है ना, खुद को जला दूंगा, तपा दूंगा, लेकिन रोशनी कर जाऊंगा। बाकी सब मर जाता है लेकिन इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, वो अंदर से चलती ही रहती है। और आप लोगों को मेरे सेशंस देख करके बातों को रटना नहीं है, बातों को याद नहीं करना, ना याद रखना है, सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है, अपने अंदर से उस इंस्पिरेशन को जगाना है। और इंस्पिरेशन क्या है अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो, एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, बस। जैसा तुम अपने मन में इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप को ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। मतलब कोरोना से लाख गुना ज्यादा खतरनाक कुछ है जिससे हम नहीं डर रहे हैं और इससे हम डर रहे हैं, वो क्या है जिससे हमको डरना चाहिए? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी पीछे कुछ आर्टिकल्स आए थे न्यूज़पेपर में, जहां पे एक फिगर आई थी निकल करके, आई एम नॉट टू श्योर ये फिगर कितनी सही है कितनी नहीं है, जहां पे आया था कि 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। इस फिगर से हमको डरना चाहिए? 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड होने का मतलब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है?